Hare Krishna everyone, praise the Lord. So in today's video we will see how to form sentencia, sentences in Espanol, in Spanish. So let's start. First sentence. In all the sentences I have used this word speak, 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 speak. So let's see how the speak, ये जो speak है वो first person के साथ, second person के साथ, third person के साथ कैसे behave करता है. Hablar, hablar which means to speak, it is a verb. ये एक verb है और ये कैसे first person के साथ टूटता है. For a first person यानी कि यो, I जो है उसको Spanish में यो बोलते हैं, उसके साथ ये hablo, hablo. Second person के साथ, this is with I. Second person के साथ, second person is you in informal manner. You को जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना तू, वैसे हम स्पेनिश में भी बोलते हैं तू, in informal sense. तो उसके साथ ये होता है hablas with you informal, you informal, you informal के साथ hablas, hablas. एच हमेशा स्पैनिश में साइलेंट रहता है. यो आबलो, आबलास, तू आबलास, यू के साथ हमेशा आबलास. अब ही और शी के साथ, ही और शी के साथ, ही शी, और साथ में इसके साथ यू जो है यहाँ पे इनफॉर्मल आ गया. अब फॉर्मल कहाँ भेजे, हम फॉर्मल भी इधर भेजते हैं, ही शी. अब जैसे आप सोचो ही शी में हम लोग है ना जैसे सर और मैम बोलते हैं तो उसको भी हम लोग थर्ड पर्सन में ऐड करते हैं, वैसे ही स्पैनिश में जब हम लोग यू को फॉर्मली बोलते हैं तो उसे हम लोग उस्तेद बोलते हैं, उसको भी हम लोग थर्ड पर्सन में ही ऐड करेंगे बिकॉज इट मीन्स सर और मैम, उस्तेद. ही शी ओब्लिक उस्तेद के साथ हम लोग इसको इसमें से एस हटा देते हैं. फर्स्ट वन आई स्पीक तो इधर देखो आप लोग आई है, आई के साथ है स्पीक. तो जब भी आबला जो वर्ड था वो आई के साथ आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आबलो, आबलो. आई है, आई को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं यो, 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 यो मीन्स आई. यो आप लो, आई स्पीक, यो आप लो, दिस मीन्स आई, आप लो मीन्स स्पीक. किसके साथ, आई के साथ होगा ये आप लो, यो आप लो, यो आप लो. सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड सेंटेंस. Second one, I speak a lot. Second sentence, I speak a lot. So, I hai, speak hai. Yo, hablo. ठीक है, I speak a lot. देखो, I speak इधर भी था, I speak इधर भी है, तो इसको हम लोग copy कर देंगे. Yo, hablo. A lot. ये एक नया vocabulary. So, a lot. या फिर a lot अलग अलग है. a lot यानी कि ज्यादा, ज्यादा जिसको हम लोग बोलते हैं much. इसको हम लोग है ना स्पैनिश में, इसने बस ये जो much देखा है ना स्पैनिश वाले है ना इसको थोड़ा सा घुमा के बोलते हैं, इसे बोलते हैं much में एक पीछे एक o लगा देंगे, mucho, mucho, mucho. So much को बोलते हैं mucho, यानी a lot को बोलते हैं mucho. यो आप लो मूचो. आई स्पीक अ लॉट में बोलते हैं यो आप लो मूचो. लेकिन ये तो सेंटेंस जो है ना वो तो पार्शियली करेक्ट है. ऐसे ही करेक्ट है आई स्पीक अ लॉट में आई इज यो, स्पीक क्योंकि यो के आगे है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है इसलिए आप लो. अ लॉट मच को क्या बोलते हैं मूचो. यो आप लो मूचो. लेकिन ये थोड़ा है ना पार्शियली करेक्ट है, इसको फुल्ली करेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर आप लोग ये बताता है,
वर्ड है, ये बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हुआ है। फर्स्ट पर्सन में एक ही आता है आई, प्लूरल वाला भी आता है वी भी आता है, बट हम उसको साथ में देखेंगे। प्लूरल वाला के लिए आप लोग अलग अलग फॉर्म्स में चेंज होगा, बट सिंगुलर के लिए हमेशा इट इज आप लोग। तो फर्स्ट पर्सन के साथ इट इज आप लोग, तो हमें ऑलरेडी पता है कि दिस इज विद फर्स्ट पर्सन, आप लोग इज विद फर्स्ट पर्सन, वी ऑलरेडी नो दैट। तो यहाँ पर अगर हम लोग यू नहीं भी यूज करें और उसको कैपिटल कर दें, हम लोग यू नहीं भी यूज करें और उसको कैपिटल कर दें, तो क्या सेम बात नहीं होगा? आप लोग मूछो, I speak a lot because it is already understood कि आप लोग is used with I। अगर आप यहाँ पर यो add भी करते हो, अगर आप यहाँ पर यो add कर भी दोगे, तो it will be like मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ना हम ज़्यादा stress कर रहे हैं। I speak a lot, मतलब हम अपने आप को ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो हम अगर इसको remove करेंगे ना, then that will be ज़्यादा correct। Otherwise, if we use yo in front of hablo mucho, it will be a kind of rude. So, let's begin with the third sentence. Hablo mucho is the correct one for the dos. Second one. The third one, you speak. So, you speak. यहाँ पर हम लोग assume कर रहे हैं कि it is informal. हम लोग informally बोल रहे हैं. You speak. इसका मतलब तू. हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं ना you को तू. वैसे हम लोग इधर भी use करते हैं. This is third one, tres. Tres is three. So, tu is you. Speak. Now, आप लोग याद करो, the second person आता था, you के साथ हम लोग बोलते थे hablas, hablas. तो हम लोग यहाँ पे ला देंगे hablas, hablas. Tu hablas, tu hablas, tu hablas. ठीक है? अब यहाँ पर you speak little. तो यू स्पीक लिटिल में से ये जो थर्ड वाला कुआत्रो, देखो यहाँ पर यू स्पीक और यहाँ पे यू स्पीक सेम है, ठीक है? तो लिटिल के लिए, लिटिल को हम स्पैनिश में बोलते हैं, लिटिल को हम स्पैनिश में बोलते हैं पोको, 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 लिटिल को हम स्पैनिश में बोलते हैं पोको, पोको। तो तू आबलास पोको, तू आबलास पोको, पोको, यू स्पीक लिटिल, तू आबलास पोको। अब इसमें भी सेम कंसेप्ट है, आबलास ऑलरेडी स्पेसिफाइज कि हम लोग यू यूज कर रहे हैं आगे, इट स्पेसिफाइज कि यू ही यूज होगा आगे। सो इवन इफ वी रिमूव टू, देन ऑल्सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है? और अगर आप तू ऐड भी करोगे, तू 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 आबलास पोको, मतलब यू स्पीक लिटिल, वी आर स्ट्रेसिंग ऑन द We are stressing on the word you. So, hablas poco sounds humble. Tu hablas poco sounds a bit rude. Hablas poco, which means I speak little. Little means poco. Poco. So, let's move to the fifth one. So, fifth one, kinso. So, हमने ऑलरेडी देखा यू स्पीक लिटिल, यू डोंट स्पीक मच, तो यू को हम बोलेंगे तू, यू को बोलेंगे हम तू, डोंट स्पीक मच। अब जब भी नेगेशन आता है ना स्पैनिश में, नो, डोंट, नॉट, डिड नॉट, इसको हम लोग एक ही सेंटेंस से, एक ही वर्ड से रिप्लेस कर, एक ही वर्ड से रिप्लेस करते, दैट इज एन ओ नो, नो, डोंट, नॉट, डिडंट, या फिर कोई भी नेगेशन, कोई भी नेगेशन आएगा ना, तो उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? नो से, एन ओ नो। इट्स सो सिंपल। सो वी वर इन द फिफ्थ वन, यू डोंट स्पीक मच, तो यू को हम लोग बोलेंगे तू, डोंट स्पीक, डोंट क्या है, नेगेशन है, तो हम लोग उसकी जगह लिखेंगे नो। स्पीक, स्पीक को हम लोग, क्योंकि ये नो के साथ है, देखो नो के साथ है, तो इस केस में ना, इस केस में क्या होगा कि डोंट स्पीक जो है ना वो एक वर्ब बन जाएगा, डोंट स्पीक एक वर्ब बन जाएगा। तो नो स्पीक, नो स्पीक, यानी कि नो आबलास, आबलास क्यों? क्योंकि तू के साथ यूज हो रहा है, तू के साथ, तू नो आबलास मच का हमने ऑलरेडी देखा है मूचो, तो तू नो आबलास मूचो, तू नो आबलास मूचो।
अब ये भी थोड़ा सा पार्शियल इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि हमें आबलास ऑलरेडी पता है कि हमेशा टू के साथ यूज होता है, तो हम अगर टू को हटा भी देंगे देन सो एब्सोल्युटली करेक्ट, नो आबलास मूचो, नो आबलास मूचो. So let's move to the seventh one. Sorry, sixth one. He speaks little. He speaks little. So he को हम लोग बोलते हैं L with an accent mark. L, 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 which is he. Speaks little. तो आप लोग खुद में बता सकते हो speaks he के साथ कौन सा यूज होता है, abla. Little, little के साथ कौन सा यूज होता है, poco. अब हम लोग इसमें से l हटाए या नहीं हटाए. अभी तक हमने देखा था कि हम जहां पर भी एडजेक्टिव आएगा ना, जहां पर भी एडजेक्टिव आएगा जैसे a lot, little, डोंट स्पीक मच, मच यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव आ गया बाद में कि हम लोग क्वालिटी बता रहे कि वो किस तरीके का बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत कम बोलता है, वो ज्यादा नहीं बोलता. तो हम लोग कहाँ पे करते थे, हम लोग ना स्टार्टिंग वाला जो था सब्जेक्ट, जो पर्सन था, वो हम हटा देते थे. बट क्या हम इधर हटाएंगे? सो मैं आपको 2 सेकंड्स का टाइम देती हूँ, आप लोग बताओ कि आप लोग क्या हटाओगे. So, आबला जो था H A B L A, आप लोग अगर आप लोग रिकॉल करो तो ये कहाँ कहाँ यूज होता था, ये होता था विद ही, शी और उसते, यानी कि यू इन यू फॉर्मल सेंस में. ये तीन जगह यूज होता था, ही, शी और उसते. लेकिन जो आबलो और आबला, आबला था ना आबलो, वो सिर्फ और सिर्फ आई में यूज होता था. आबलास जो था वो सिर्फ और सिर्फ यू में यूज होता था इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल, दैट टू इनफॉर्मल. ठीक है, तो स्पेसिफिक था कि अगर आबलास है तो ये अंडरस्टूड है कि ये सिर्फ यू के साथ ही यूज होगा, एंड आबलो है तो ये अंडरस्टूड है कि ये सिर्फ आई के साथ ही यूज होगा. बट विद आबला इट इज नॉट एट ऑल अंडरस्टूड. सो यहाँ पर हमें आबला के साथ हम लोग L ये जो है उसको रिमूव करे या ना करे. सो आबला जहाँ पर भी यूज होता है ना, इट इज विथ ही, शी और उसते. तो यहाँ पर अगर हम आबला में अगर L हटा दे, देन इट इज नॉट क्लियर कि हम लोग ही को रेफर करें, लड़की को रेफर करें, शी यानी लड़की को रेफर कर रहे हैं, फिर उसते को रेफर कर रहे हैं. सो इसीलिए हम लोग L को रिमूव नहीं करेंगे, बिकॉज आबलो जब आता था तो ओनली हम लोग आई को रेफर करते थे. आबलास जहाँ आता था तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यू यूज होता था, लेकिन आबला जहाँ पर होगा ना, देन ही, शी और उसते. तो हम लोग आबला, सिर्फ मियरली आबला से ना ये क्लियर नहीं हो रहा, दैट इज ही, शी या फिर किसको रेफर कर रहा है, इसलिए हम लोग एल को रिमूव नहीं करेंगे. ओके, सो दिस वन इज डन. ही स्पीक्स लिटिल, एल आबला पोको, एल आबला पोको, एल आबला पोको. नेक्स्ट वन, शी स्पीक्स बट ही डजंट स्पीक. शी स्पीक्स, शी को हम लोग बोलते हैं ईया, ईया, ई डबल एल ए, ईया. एल जो होता है, डबल एल जहां पर आता है उसका प्रोनंसिएशन होता है य, य, ईया, ईया. स्पीक्स ही, शी, ओब्लेक उस्तेद के साथ होता है आबला. ठीक है, तो ईया स्पीक्स, ईया आबला. बट को हम लोग बोलते हैं, बट को हम लोग बोलते हैं पेरो, पेरो. ही को बोलेंगे वापस से एल विथ एन एक्सेंट मार्क, विथ एन एक्सेंट मार्क. पेरो एल डजेंट, डजेंट क्या है, डजेंट है एक नेगेशन, डजेंट है नेगेशन. पेरो एल नो, नेगेशन को हम लोग हमेशा बोलते हैं नो. स्पीक, स्पीक ही के साथ है इसलिए आबला. वापस से इया आबला पेरो एल नो आबला, इया आबला पेरो एल नो आबला.
pero él no habla. So, अब तक हम लोग एल वोकैबुलरियो, एल वोकैबुलरियो, एल मतलब होता है द, विदाउट एन एक्सेंट मार्क. आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर जो था ना ये था एक्सेंट मार्क, ये होगा ना तो इसका मतलब होता है ही. अदरवाइज एल विदाउट एन एक्सेंट मार्क मीन्स द. ये जो द है वो है मैस्कुलिन वाला द. मैस्कुलिन वाला द क्यों? क्योंकि लास्ट में ओ आर है, तो एल इज मैस्कुलिन वाला द. एल वोकैबुलरियो, एल वोकैबुलरियो. अभी तक हम लोग क्या क्या वोकैबुलरी सीखे? आबला, आबला मीन्स टू स्पीक. मूचो, मूचो मतलब मच या फिर अलॉट, अलॉट मतलब ज्यादा. पोको, पोको मतलब लिटिल, दैट इज कम. पेरो, पेरो मीन्स बट, पेरो मीन्स बट. एल, एल विद एन एक्सेंट मार्क मीन्स ही. ईया, ईया व्हिच मीन्स शी. उस्तेद, उस्तेद को बोलते हैं यू फॉर्मल, यू फॉर्मल, यू फॉर्मल. अब नो, नो नेगेशन के लिए यूज होता है. एक और जो छूट गया है, दो और जो छूट गया, दैट इज यो. यो मतलब होता है आई. तू विद एन एक्सेंट मार्क मीन्स यू. सो हम लोग अभी तक सेवन देख चुके हैं, उनो दोस त्रेस कुएत्रो किंसो सेस सियते और ओचो. लास्ट वाला ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप स्पैनिश कंट्री में जाओ और अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, एटलीस्ट आपको ये पूछना आना चाहिए, डू यू स्पीक इंग्लिश. आप हिंदी भी पूछ सकते हो बट रेयरली किसी को आएगा, बट डू यू स्पीक इंग्लिश. तो ये जो है फॉर्मली आप पूछोगे ना सामने वाले को, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो डू यू स्पीक इंग्लिश को हम लोग बोलेंगे This one is ocho. Habla inglés. Habla inglés. Do you speak English? अब इधर हम लोग habla use किए हैं. हम लोग इधर habla use किए हैं because we are using for you formal. We are using for you formal. जब भी he, she or usted use होगा तो हम लोग use करेंगे habla. That's why habla inglés. Habla inglés. Habla inglés. Thank you so much for watching and do subscribe our channel and do support Eric.